उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सिद्धू क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैसो मोटेन। खबर बीरूखाल ब्लॉक से। बीरूखाल क्षेत्र में पुलिस चौकी खुलने से बीरूखाल क्षेत्र की स्थानीय जनता द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। आज यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी कर रेगुलर पुलिस की कार्यप्रणाली समझाते हुए बीरूखाल क्षेत्र के जन सामान्य से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, क्षेत्र में घटित होने वाली आपराधिक घटना, सड़क दुर्घटना, किसी भी प्रकार की देवी आपदा आदि घटनाएं घटित होने पर तत्काल पुलिस चौकी को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि प्रत्येक दुख सुख में आपके साथ है। क्षेत्र में आपकी समस्या अथवा शिकायत को लेकर दूर थाना थिलीसर जाना पड़ता था, अब आपकी कई किलोमीटर दूर थाना थिलीसर ना जाकर नई चौकी बीरूखाल में ही अपनी समस्या अथवा शिकायत दर्ज करा सकते। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप गोरा शक्ति साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया तथा किराया रखने से पूर्व पुलिस सत्यापन करने का भी उन्होंने बताया। यहाँ से अपर पुलिस अधीक्षक श्री शेखर चंद्र सुयाल द्वारा हमारे सहयोगी रोशन सिंह बिश्नोई ने बात की। देखिए यह रिपोर्ट। के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो सरकार की मंशा है और पिछले जो 3-4 इंसिडेंट हुए थे वो ये था कि अब पटवारी क्षेत्र के बजाय पुलिस में व्यवस्थाएँ सौंपी जाएँ, और इसी क्रम में ये जो हमारा पौड़ी जनपद है यहाँ एक थाना खुलना है यमकेश्वर नाम से, और बीरूखाल चौकी खुलनी है। और मेन बीरूखाल खोलने का मकसद ये था कि थलीसैंण जो थाना क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा था, तो नज़दीक में लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलें, वेरिफिकेशन का काम है, पासपोर्ट वाले काम है, कुछ भी, तो नज़दीक में इजी वे में पुलिस की एक्सेस हो, इसलिए ये चौकी बनी। तो मतलब इसके अंदर लगभग कितनी ग्राम पंचायत आई है बीरूखाल की? अभी एग्जैक्टली चूंकि जैसे एसओ साहब ने बताया 99 ग्राम सभाएं हैं। अब चूंकि कुछ ग्राम सभाएं ऑलरेडी थाने में थी पहले, जी, तो अब एटलीस्ट जो बीरूखाल हमारा जो ब्लॉक है पूरा का पूरा बीरूखाल ब्लॉक इसी चौकी के अंदर है। स्टाफ अभी तो फिलहाल स्टार्ट करने के लिए हमने एक चौकी इंचार्ज जो SI रैंक के होंगे और दो कांस्टेबल दिए, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम करते हैं। महिला हम अकेली महिला अपॉइंट नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट दो होने चाहिए, तो अगर बाद में रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम करेंगे। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा